Hello friends, welcome back of you in another video in the channel CE&T Civil Engineering Technology. Friends, आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड रेनफोर्समेंट. ठीक है, आज स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, बीम में कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एज पर ड्राइंग. ठीक है, मेरे पास ये जो ड्राइंग है इसके बेस पे आपको बताता हूँ कि रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करना है स्लैब में. सबसे पहले देख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स बीम. बीम का जो इसमें गिवन है, जैसे कि बी1 है सामने. ठीक है, ये B1 है, उसके बाद आपके फ्लैट बीम दे देता है. यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं B1. तो B1 हमें क्या लेते हैं, जो सेक्टर में होता है, सेक्टर के अंदर जो स्लैब डालते हैं तो सबसे क्या होता है, पीछे कटआउट दिया जाता है, ओपन एरिया दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि जाल होता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं पीछे ऑलमोस्ट हर जगह भी जाल दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं पीछे. तो इस तरह से ऑलमोस्ट पीछे ओपन स्पेस रखते हैं, क्योंकि वो पेनल्टी हो जाती है कुछ भी होता है, जैसे कि आग वाग से सेफ्टी के लिए पीछे दिया जाता है मोस्टली कटआउट. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कटआउट लिखा हुआ है. उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लैट बीम. ठीक है, पहले आपको मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ड्राइंग करना है. पहले आपको मैं साइड पर दिखाता हूँ कहाँ पे क्या करना है. आपको फ्लैट बीम दे देता हूँ यहाँ पे B1. आपकी जो ये रहेगी आपकी ये बीम वन रहेगी. ठीक है, ये आपकी B1 है, ड्राइंग में दे सकते हैं. उसके बाद देखते हैं आप ये फ्लैट बीम ये क्या है फ्रेंड, डाउन पोर्शन रहेगा यहाँ पे, जो ये है H2 अपने की बने यहाँ पे H2. उसके बाद दिखा है संकर्ण बाई 12 इंची. ठीक है, 12 इंची क्यों है, क्योंकि जो बीम की टोटल डेप्थ है वो है 18 इंची और जो स्लैब की जो थिकनेस होती है, जो स्लैब की थिकनेस रहेगी वो रहेगी 6 इंची. तो ये जो रहेगी ये 12 इंची का जो डाउन रहेगा. ठीक है, आपकी जो स्लैब रहेगी ये वाली जो स्लैब है संकर्ण डाउन पोर्शन में 6 इंची रहेगी जो उसकी डेप्थ रहेगी. उसके बाद जो ये बचेगा आपका जो बीम, ठीक है, जो बीम बचेगा यहाँ तक वो टॉप तक, और ठीक है स्लैब की टॉप तक वो बचेगा आपका 12 इंची टोटल. तो इस तरह से आपका ये फ्लैट बीम रहेगा. फ्लैट बीम इसमें आपको गिवन है, फ्लैट बीम इसमें गिवन है B2. ठीक है, B2 मैं आपको बाद में ड्राइंग दिखा देता हूँ मैं आपको B2 की क्या रेनफोर्समेंट रहेगा, B1 का क्या रेनफोर्समेंट रहेगा. अभी आपको मैं साइड पर दिखाता हूँ कौन कौन सी B1 रहेगी. उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स ये रेनफोर्सरिया. ठीक है, ये वाले बीम देख सकते हैं आप. इस बीम में क्या रहेगा कि ये थ्रू आउट बीम है, ये थ्रू आउट बीम है, आगे से टॉप तक पीछे आगे बीम जा रहा है. तो ये क्या होता है 12 मीटर का जो सरिया होता है ये टॉप बार है. ठीक है, ये आपका टॉप बार रहेगा, ये आपका बॉटम बार रहेगा. जो टॉप बार है आपका 16 mm का है ड्राॅइंग में, जो आपकी जो बीम रहेगी ये वाली कौन सी बीम है, ये B3. ठीक है, B3 और B3 ये सभी B3 की वन है यहाँ पे, B3 साइड का. इस तरह आपका ये फ्रंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आप सब आप देख सकते हैं B3 है और B3 है. तो इसका रेनफोर्समेंट आपको ड्राइंग में दिखा दूंगा मैं अभी बीम के रेनफोर्समेंट में. तो ये कंटिन्यू है, ये आपका सनसेट रहेगा, छज्जा रहेगा. ठीक है, यहाँ से कि आपका 7 फीट तक कॉलम के फेस से 7 फीट तक ये सनसेट है. सनसेट तक आपका जो रेनफोर्समेंट रहेगा आपको यहाँ पर गिवन है. देखिए टॉप के फेस से जो बीम का फेस है, बीम के फेस से ये 7 फीट आपका एक्सटेंड होगा. ठीक है, ये आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा जो रेनफोर्समेंट रहेगा टॉप जाल में. उसके बाद आपको ये संकन रखना है. संकन जो भी आपका यहाँ पे आपको गिवन दे देगा, संकन डाउन पोर्शन, जैसे कि टॉयलेट होता है, किचन होती है, बाथरूम होते हैं, उसके लिए आपको दे देते हैं. यह क्या रहेगा आपका साफ्ट, साफ्ट क्या रहेगा आपको खाली जगह रहेगी. ठीक है, आपको फ्लैट बीम दे देता है यहाँ पे जगह छोड़ के 2 फुट 3 इंच क्या रहेगा यहाँ पे इनर रहेगा. ठीक है, फिर चौड़ाई है 3 फुट और 6 इंच आपकी लंबाई रहेगी. ठीक है, उसके बाद 2 फीट आपको ये क्या रहेगा, ये आपकी स्लैब रहेगी. स्लैब में क्या देते हैं ड्राइंग में, एक ड्राइंग है आपको उसमें देखना, मैं दिखा दूंगा आपको. ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एक रूम के अंदर अलमारी रहती है इसमें, तो इस वजह से ये ओनली साफ की जगह हम खाली छोड़ेंगे. साफ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि ये भी यहाँ पे डाउन दे देते हैं पोर्शन. ठीक है, ये डाउन पोर्शन रहेगा, ये डाउन रहेगा. यहाँ पर उसने दे दिया, देखिए संकन आप थोड़ा मीट गया, संकन भाई 12 इंची जो ये टॉयलेट के लिए है तो डाउन रहेगा. तो इस जो भी सैनिटरी फिटिंग होती है तो साफ के अंदर से जाती है. उसके बाद देते हैं ये स्लैब, स्लैब संकन 12 इंची, ये भी 12 इंची रहेगा क्योंकि 18 इंची की टोटल बीम की डेप्थ है और माइनस 6 इंची का स्लैब थिकनेस. ओके, तो 12 इंची रह जाता है आपका. फिर ये स्टेयर केस कटआउट, ठीक है, ये स्टेयर केस रहता है इस तरह से कहता हूँ मैं. फिर स्टेयर केस और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको ये चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, ये लॉन्ग स्पैन संकर्ण में ये क्या है H2 कौन कौन सी रहती है, एक संकर्ण, ये जो भी संकर्ण है आपकी, ये S1 है कमरों की है, ये H2 है, जो ये हमारी स्लैब है ये H2 है. ठीक है,
जो ये हमारी इधर से मैं दूर से दिखा देता हूँ मैं, ये ठीक है, ये वाला किनारा है जो ये रहेगी, ये एच टू है, ये क्या है, डाउन पोर्शन है। तो डाउन पोर्शन में उसने क्या दे दिया है, जो लॉन्ग स्पैन है, जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसने ड्राइंग में क्या दिया, उसने लॉन्ग स्पैन में उसने यहाँ पे क्रैंक दे दिया है। बट ये क्या रहेगा आपको, वन वे स्लैब, वन वे स्लैब में ऑलमोस्ट हमेशा क्रैंक दे होता है, शॉर्टर स्पैन में दिया जाता है। आप उसमें देख सकते हैं व्हाट इज वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, मैंने उसकी वीडियो बनाई है और ड्राइंग बताई है कैसे हम किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ही लेंगे, ठीक है। ये क्रैंक बार आप लॉन्ग स्पैन में ही नहीं देंगे तो शॉर्टर स्पैन में देंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल ठीक करवा दिया है। वन वे स्लैब में क्रैंक बार आपकी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, क्रैंक बार, ओके। उसमें क्रैंक बार इसमें डायमेंशन कुछ गिवन नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं। तो L by 7 तक क्रैंक बार दिया जाता है, ठीक है। क्रैंक बार जहाँ से तोड़ते हैं, ये इनर टू इनर, यस, बीम के इनर से स्लैब का जो इनर डिस्टेंस है उसके बाद से L by 7 लिया जाता है, ठीक है। आप ये क्रैंक बार तोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, ये आपकी क्रैंक बार हो गई। ये आपका क्या है, शॉर्टर स्पैन है, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे, ये क्या रहा है आपका, शॉर्टर स्पैन है, और ये क्या आपका लॉन्गर स्पैन, ये लॉन्गर स्पैन और ये शॉर्ट स्पैन। तो शॉर्ट स्पैन में हमेशा क्रैंक बार दिएंगे आप, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।